तो जैसा कि पिछली वीडियो में हेमकुंड साहब से लौटते समय ठेस बुद्धि के पैर में मोच आ गई थी, तो ठेस बुद्धि तो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स हमारे साथ नहीं जा पाएगा, तो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स मैं, पुनिया और शिवांशु जा रहे हैं। ठेस बुद्धि को छोड़कर हम सभी चलने के लिए तैयार हैं। टूटा हुआ साथ, जैसा कि ठेस बुद्धि पूरे दिन यहीं पड़ा रहेगा तो हम इसको जिम्मेदारी दे रहे हैं अपने एक दो कपड़े धोने की। हैं जरूरी सामान बैग में डालकर मैं एकदम फुल रेडी हूँ वैल्यू ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक के लिए, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि ठेस बुद्धि हमारे साथ नहीं जा रहा है। तो ठेस बुद्धि आपको कैसा लग रहा है, आप हमारे साथ नहीं जा रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं जिस जहाँ पे घूमने के लिए आया था वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा। बिना ज्यादा समय गवाए हम वैल्यू ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक के लिए छटपटाते हुए निकल लेते हैं। तो ये रास्ता गया वैल्यू ऑफ फ्लावर्स के लिए, और ये ज्यादा स्टीप नहीं है, हम इसको इजीली कवर कर लेंगे। वैल्यू ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक के लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि हमें वहां से जल्दी लौट के आना होता है। अगर नहीं आ पाए तो ये लोग हमें ढूंढ ढाड़ के लाएंगे। अंदर जाने के लिए टिकट्स भी लगती हैं, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 150 रुपए खर्च करने होंगे। शुरुआत में ही हमको इस बर्फ को सावधानी पूर्वक तरीके से पार करते हुए जाना है। बर्फ पे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना होता है, क्योंकि इसमें फिसलन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और पुनिया हमारा ऐसे चांसों को बिल्कुल नहीं गवाता। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सच बता रहा हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। मतलब कि हम तीनों के अलावा यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी, मतलब एक अलग ही वाइब आ रही है सही में। मतलब जिसको भी ऑफ बीट प्लेसेस पसंद है उसके लिए परफेक्ट प्लेस, मतलब अभी तक मैं यहीं पे आया हूँ। तो थोड़ा कूल बनने के लिए मैं एक ये डंडा खोज लेता हूँ। चार कदम चलने पर मेरी आंखें फिर एक अनोखा सा दृश्य देखती हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच तेज गति में बहती हुई नदी, जो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन उतनी ही डरावनी भी। इसको पार करने के लिए ये एक सुंदर सा पुल बनाया हुआ है, और यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। मगर इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे आपके लिए इन रास्ताओं का लगातार सुधार करते रहते हैं। और इस खूबसूरत जंगल के बीच मेरे सस्ते बियर ग्रिल बनने की आदत मुझे किसी का भोजन न बना दे। ये जगह बिल्कुल नेचुरल है, एकदम प्योर, आपको प्लास्टिक का एक तिनका तक नहीं दिखेगा। और ऊपर से यहाँ पे हमें दूर दूर तक अपने अलावा कोई भी नहीं दिख रहा, बस हम तीनों मंडरा रहे हैं। और सही बता रहा हूँ, अभी ट्रैक की सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, और स्टार्टिंग में इतने खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहे हैं, तो आगे तो पता ही नहीं, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, एकदम अनएक्सपेक्टेड। और सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों, इसे गिरना नहीं कहते, इसे बैठना कहते हैं। ये क्या शकुनी मामा के जुआ खेलने वाले चौसर भांजी। तो जैसा कि रास्ता काफी लंबा, ये लोग आगे की चिंता ना करते हुए अपनी पूरी दम यहीं दिखाते हुए। फालतू नहीं बोलने का, वरना खोपड़ी उड़ा दी जाएगी पूरी। बिना देरी किए अब जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हैं और सीधे वैली में पहुंचते हैं, ठीक है? यस यस। मगर मैंने तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने की बोली थी, ये रिंग क्यों रहा है? पुनिया तो बेचारा एंजॉय करने का नाटक करते हुए मुंह फाड़ के चिल्ला रहा था कि तभी टिकटक बंदे ने पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी इसके मुंह में भर दी। तू बहुत किस्मत वाला है कि तूने पहाड़ों की काई खाई है, ऐसी किस्मत सबको नसीब ना हो। तो दोस्तों बहुत होगी ड्रामेबाजी, अब जल्दी से वैली तक पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी पलट जाता है। यूपी की कोई कोई इतने बेबुद्धि होते हैं कि इतना कहने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं, बिल्कुल गिरी हुई, मतलब यहाँ पर भी प्लास्टिक का कचरा करने में लगे हुए हैं। तो ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी अब हमारा ठीक ठाक बंदा लेता है। हमने आधे से ज्यादा रास्ता तो कवर कर लिया, मगर ऐसा भी नहीं है कि हमें थकावट नहीं हो रही। देखो थकना तो स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी स्टीप चढ़ाई है। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ से इतना कचरा इकट्ठा कर लिया, तो ये है स्लाइड जोन, बड़ी खतरनाक है, वहां से पत्थर स्लाइड हो जाते हैं, सारे पत्थर हिल रहे हैं। तो ये थोड़ी खतरनाक सी जगह, क्योंकि यहाँ से पत्थर वगैरह ऊपर से लुढ़क जाते हैं, तो हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा। रास्ते में हमें फिर एक सुंदर सा झरना मिलता है, जहाँ से हम पहले अपनी पानी की बोतलें भरते हैं, और यहाँ बर्फ भी है जिसके ऊपर तो सावधानी पूर्वक चलना होता है। फिर हम अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठकर टिपरा ग्लेशियर व प्रकृति के नजारों का आनंद लें। हम ऑलमोस्ट वैली पहुंच गए, और ये सामने जो देख रहे हैं ये है टिपरा ग्लेशियर। कितना भी इसको आंखों से निहार लो, लेकिन इसको देखते देखते मन है कि भरी नहीं रहा। हम ऑलमोस्ट वैली ऑफ फ्लावर पहुंच गए, लेकिन हमें फूल बहुत कम दिख रहे हैं। हमें एक और सुंदर सी नदी मिलती है जिसका बहाव काफी तेज होता है, मगर उसके ऊपर बनाया गया ये पुल मुझे बहुत नाजुक लगता है, इतना कि मैं इस पर पैर रखने से भी डरता हूं, और डर के मारे झटपट पार कर जाता हूं।
एक तो इस नदी का बहाव बहुत तेज है और ऊपर से इसके ऊपर एक छोटा सा पुल, और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। खैर ये पुल बनाया है तो मजबूती होगा, इसलिए मैं थोड़ा कूल बनते हुए इस पुल को दोबारा से पार कर जाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इस पे चलने में कैसा लगता है। फाइनली हम वैली ऑफ फ्लावर पहुंच गए, मगर हमें कहीं पे भी फूल नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि अभी ब्लॉसम हो रहा है और हम यहाँ पे जल्दी आ गए। अगर हम यहाँ पे 20 से 25 दिन बाद आते तो हमें ये पूरी जगह फूलों से ढकी हुई मिलती, मगर कोई नहीं, ऐसे भी ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। हम थोड़ा और आगे का रास्ता नापते कि हमें फिर से ये बर्फ मिल जाती, वो भी पिघली हुई। अब ऐसी बर्फ पे चलना थोड़ा सा रिस्की रहता है, मगर और भी लोग आ रहे थे थोड़ा सा घूमकर, तो फिर क्या हम भी चल देते हैं, मगर थोड़ा सावधानी पूर्वक। थोड़ा सा और आगे चलने पर हमें एक और नदी मिलती है जिसके ऊपर कोई पुल नहीं होता, तो हमको इसको ऐसे ही बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से पार करना होगा। खैर मेरे तो इसमें जूते भीग जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि अभी हम 3 किलोमीटर का ट्रैक और कर सकते हैं। अभी चले तो जाते आगे, मगर अभी टाइम पूरा हो गया, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे ही 2 बज जाए अपने उल्टे पांव लौटे आओ, क्योंकि नीचे उतरने अभी टाइम लगता है। तो अभी हमको अपनी ट्रैक यहीं पर समाप्त करनी होगी, क्योंकि अभी फूल भी नहीं खिले हैं, ब्लॉसम नहीं आया, तो अभी बहुत ही कम फूल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा जब फूल खिल जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह। और जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं सुबह बहुत जल्दी निकलूँगा, और जो यहाँ पर लिखा है टिपरा खार जहाँ से 3 किलोमीटर और पीछे है, मतलब आगे है, वहाँ भी जाऊँगा मैं। तो अभी तो फूल खिले नहीं है, तो शायद जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में यहाँ पर फूल बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तभी आऊँगा, एक और बार आऊँगा मैं यहाँ पर, तब मैं देख कर जाऊँगा कि ये वैली फूलों से भरी हुई कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस वैली को खोजने वाले की यहाँ पर एक समाधि है, तो चलिए पहले जल्दी से वहाँ चलते हैं। तो ये है जॉन मार्गरेट लैगी की समाधि, इन्होंने इस वैली को खोजा था और यहीं पर ये रेस्ट इन पीस हो गए। कुछ ज्यादा ही पीसफुल जगह पर ये रेस्ट इन पीस हुए हैं। हम सिर्फ रेस्ट करते हैं इस पीसफुल जगह पर। इस जगह पर इतनी ज्यादा शांति मिल रही है कि मुझे यहाँ पर बैठे बैठे बहुत तेज नींद आने लग जाती है। ये जगह मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी ज्यादा पीसफुल लग रही है ना कि मैं सच बता रहा हूँ मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। मगर वापस लौट के तो जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हर खूबसूरत चीज प्यारी नहीं होती। पुनिया में बदले की आग का मोड धीरे धीरे एक्टिव होता जा रहा है। क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ के जाने का। अब जाना तो है, तो जल्दी से अपनी अपनी पानी की बोतलें भरकर और इस चैलेंजिंग सी नदी को सावधानी पूर्वक पार कर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पानी भर गया है। और हाँ, इस ग्लेशियर को भी सावधानी पूर्वक पार कर इन खूबसूरत दृश्यों को अपनी आंखों में कैद कर हम वापस चल देते हैं। पुनिया की बदले की आग धीरे धीरे पुनिया को घातक बनाती जा रही है। जहरीले पत्ता होता है। आखिरकार हम होले होले कदम रखकर वैली ऑफ फ्लावर से वापस आ ही जाते हैं और समय से वापस अपने रूम पे पहुंच जाते हैं। बढ़िया है। और आज हम ठेस बुद्धि की डिमांड पर उसी की पसंद का खाना मंगाते हैं, मगर उल्टे पुल्टे मौसम की वजह से मेरे सिर में इतनी तेज दर्द होता है कि मानो मेरी आंखें खुल के बाहर आ जाएं। तो मैं जल्दी से सिर दर्द की गोली लेकर फ्लाइट मोड पर चला जाता हूं। तो जैसा कि हम कल वैली ऑफ फ्लावर्स गए थे और ठेस बुद्धि हमारे साथ नहीं गया था क्योंकि उसके पैर में मोच है, तो अभी तो हम घाघरिया में, लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है और खुद भी झेलना पड़ रहा है कि हमको ये अपनी ट्रिप ड्रॉप करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ठेस बुद्धि के पैर में मोच है और वो ज्यादा चल फिर नहीं सकता, तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम वापस घर चले जाएं। चलो, मन तो नहीं कर रहा मगर जाना पड़ेगा। भैया देखो इसके कान बड़े हो गए। पता नहीं कैसे और क्यों, मगर पुनिया के कान इतने बड़े बड़े हो गए। इन्होंने पुनिया को 15 मिनट से दूसरे कमरे में बंद कर रखा है। तो चलिए बहुत होगी ड्रामेबाजी, अब यहाँ से सीधे नीचे की ओर चलते हैं। ठेस बुद्धि के पैर में मोच है, बड़ी सावधानी पूर्वक इसको चलना होगा अभी। तो जैसा कि ठेस बुद्धि के पैर में मोच है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको कंफर्टेबली नीचे ले जाएं कैसे, या तो घोड़े खच्चर पर ले जाएं या फिर हेलीकॉप्टर में ले जाएं। अब बजट के हिसाब से देखते हैं कि क्या सूटेबल रहेगा, वरना हम हेलीकॉप्टर की टिकटिंग ऑफिस आते हैं इंक्वायरी के लिए, जहां से पता चलता है कि हेलीकॉप्टर की तो यहां पर बुकिंग पूरी फुल हो रखी है। कह रहे थे कि 2:30 बजे के बाद नंबर आएगा, वो भी तब मौसम साफ रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ठेस बुद्धि को नीचे ले जाना कंफर्टेबली, तो एक ही ऑप्शन है, वो क्या कि घोड़े या खच्चर पर उसको बिठा के ले जाएं और हम पैदल पैदल उसके साथ साथ चलें। अब हमें कोई और ऑप्शन नहीं दिखता, तो हम इसको मजबूरी में घोड़े पर बिठा देते हैं और हम अपने हौले हौले मध्यम चाल से पैदल पैदल चलते जाते हैं। मगर सुबह से अभी हमने कुछ भी नहीं खाया, तो हम थोड़ी एनर्जी प्राप्त करने के लिए आलू के पराठे खाने बैठ जाते हैं, मगर पुनिया मंगाता है अपने लिए पहाड़ों की मैगी। पहाड़ों की मैगी की हाइप बहुत तगड़ी है, तो उसी हाइप के चलते मैं भी इस मैगी को ट्राई करता हूँ, मगर यहाँ तो नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए, क्योंकि इससे तगड़ी मैगी तो मैं बना लेता हूँ।
खा पीकर फुर्ती के साथ हम जल्दी से आगे का रास्ता नापते हैं जब तक कि हमारी फुर्ती खत्म नहीं हो जाती। मगर फुर्ती का क्या कहना, वो तो फिर से आ जाती है। फिर जल्दी से ठंडा पानी पीकर कुरकुरे खाकर हम फाइनली पहुंच जाते हैं पुलना, जहां ठेस बुद्धि हमारा सदियों से तो नहीं कुछ घंटों से इंतजार कर रहा था। फिर क्या, अब हमें जाना गोविंद घाट, जिसके लिए हम सिर्फ टैक्सी लेते हैं और पहुंच जाते हैं गोविंद घाट। बिना ज्यादा समय गवाए हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जल्दी से ऋषिकेश के लिए निकल जाएं। मगर हमें यहाँ से ऋषिकेश के लिए कोई भी बस नहीं मिल रही, तो फिर क्या, हम फिर हर गाड़ी को रोकने लग जाते हैं। कोई सी गाड़ी तो रुके, कोई तो हमें पहुंचाए। मगर तभी किस्मत का दरवाजा हमारे लिए खुलता है और एक मिनी ट्रक मतलब लोडिंग गाड़ी हमारे लिए रुक जाती है। अब भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को एक खुली गाड़ी से देखने में एक अलग ही वाइब आ रही होती है। इतना मजा आ रहा होता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर मजा के साथ साथ थोड़ा डर भी लग रहा होता है, क्योंकि बगल में गहरी गहरी खाई भी है। मैं तो बस इतना सोच रहा था कि इसमें बैठकर मैं जोशीमठ तक पहुंच जाऊं, जहां से मुझे शायद कोई बस मिल जाए। अगर ना भी मिले तो वहां पर रुककर मैं अगली सुबह कोई बस पकड़ लूं। मगर फिर पता चलता है कि ये गाड़ी तो ऋषिकेश तक जा रही है। तो गाड़ी में चटाई बिछाकर नमकीन लेकर महफिल तो नहीं जमाते, बस ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा सोते हैं, लड़ते हैं और सबसे नमस्कार करते हुए मजे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों का हम खूब आनंद उठाते हैं और आखिरकार 1 बजे के करीब हम ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, जहां से हमें तुरंत दिल्ली के लिए बस मिल जाती है, जो हमें आराम से सुबह के 5:30 बजे के करीब पहुंचा देती है। ऑटो पकड़कर हम बस स्टैंड के लिए रवाना होते हैं, जहां से हम आगरा के लिए बस पकड़ते हैं और फाइनली हम वापस आ जाते हैं अपने शहर आगरा। बहुत ही बुरा लग रहा होता है 3 डिग्री से पूरे 30 डिग्री टेम्परेचर में आकर। फिर हम जल्दी से अपने घर के लिए एक और बस पकड़ते हैं। तो हिमालय से मैं इस डंडे को अपने लिए उपहार के रूप में लाया हूं, जो दिखने में किसी जादू छड़ी से कम नहीं है। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे भी मैं ऐसी ट्रिप्स प्लान करते रहूंगा और फाइनली मैं अपने घर पे तो पहुंच जाता हूं और मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं एक और मजेदार वीडियो के साथ।